जौहर ने एक फिल्म की प्लानिंग की थी जिसमें अजय देवगन, शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी को फाइनल कर लिया गया था। अफसोस तो इस बात का है कि इस बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ वे फिल्म नहीं बना पाए। इस फिल्म का निर्देशन टू स्टेट्स बनाने वाले अभिषेक वर्मन करने वाले थे। इस फिल्म का आइडिया वर्षों पूर्व करण के पिता यश जौहर के दिमाग में आया था। अब यश जौहर इस दुनिया में नहीं रहे और करण उनके पिता के आइडिया पर फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। फिल्म का नाम था कलंक। इस फिल्म की कहानी पार्टीशन के दौर की है। ये एक पीरियड लव स्टोरी है। इसमें दो परिवारों को दिखाया जाना, इसमें से एक हिंदू और एक मुस्लिम है। करण ने अपनी बायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय में इसका उल्लेख किया है। करण के मुताबिक इस फिल्म में भरपूर इमोशंस हैं। करण इस फिल्म को जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी उनका इरादा नहीं है।